हाय गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं मुझे और व्हाट्सएप करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कॉल ना करें, प्लीज़ व्हाट्सएप पे जो भी क्यूरी है डालें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल उठाना मेरे लिए ये नहीं है। मैं जॉब में हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं जे में, और कोई ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉल भी करें तो आप 8 बजे शाम को बात करें, 8 बजे के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, आज कुछ मेरा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आप ये AIQ से सीट लेके अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला और हरियाणा, इनके जो बच्चे हैं इनके कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, ये हाई स्कोर करते हैं। तो अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं और ऑल इंडिया से सीट मिल रहे हैं, तो क्या अपने स्टेट के लिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से, मैं जस्ट एक तरह से सजेशन है और आप लोग का भी मुझे फीडबैक चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लेते हैं तो आपके स्टेट का एक सीट भी अगर आप ले लेते हैं ऑल इंडिया से, तो आपके स्टेट के बच्चों का कहीं ना कहीं एक बच्चे का एडमिशन मिल जाएगा कम मार्क्स मार्क्स पे। कि अगर एक नंबर का भी अंतर आता है उसे, अगर आप सोचिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेज लेने के लिए, जैसे उनको कहीं और किसी और स्टेट में मिल रहा है ऑल इंडिया के थ्रू, तो वो सीट छोड़ देते हैं और अपने स्टेट में लेते हैं, प्रेफर करते हैं। तो अपने स्टेट में लेते हैं जितने भी बच्चे, तो आप एक तरह से समझिए कुछ पीछे वाले बच्चे जिनके रैंक कम है, जैसे उत्तर प्रदेश में 590, 594, 593, बिहार में वैसे 595 प्लस वाले जो बच्चे हैं, वो ये बना के रखते हैं कि भाई ऑल इंडिया में इतना बच्चे ले लेंगे, या राजस्थान में है तो थोड़ा सा उनकी कट ऑफ कम चली जाएगी और उससे बहुत बच्चे का भला हो सकता है। तो एक बार इस बात पे सोचिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको जस्ट सजेस्टिंग और आपका फीडबैक इस पे चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है कि क्या रिजर्वेशन जाति नहीं गरीबी आधार पे मिलनी चाहिए, इसकी इस पे भी आप लोग अपना कमेंट कीजिए। देखिए, मैं जो सोचता हूँ, बहुत सारे जनरल में भी वैसे ये होते हैं जो जो गरीब से आते हैं काफ़ी, और अगर आप ST SC और OBC की बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी धनी मनी हैं, फिर भी उनको रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि जाति आधारित है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये गरीबी बेस हो, पुअर पीपल का, सिर्फ जो नीडी हैं उनको आरक्षण दिया जाए, तो मेरे विचार से अच्छा होगा। लेकिन आप लोग का मुझे सजेशन चाहिए कि क्या इस पे गवर्नमेंट को स्टेप कुछ लेना चाहिए, क्योंकि जिनको ऑलरेडी जो मतलब लोअर कास्ट से हैं या ST SC से हैं, तो वो कास्ट पहले था, लेकिन आज के डेट में वो उनको जॉब है या कुछ लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उनको फिर भी मतलब आरक्षण मिलता है। और आरक्षण के चक्कर में बहुत सारे गरीब बच्चे भी ऐसे हैं जो अदर कास्ट से हैं, उनके नहीं हो पाते। तो आप लोग का मुझे सजेशन चाहिए कि क्या होना चाहिए इस पे, ठीक है। तीसरा, NTA ने बोनस मास क्यों नहीं दिया, इस पे भी मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले हम लोगों को बताया था बोनस मास मिल सकता है, फिर मैंने एक YouTube पे शॉर्ट वीडियो डाला कि नहीं, बोनस मास अब नहीं मिलेगा, कोई बोनस मास नहीं मिलेगा। दूसरा, OMR सीट और फाइनल आंसर सीट वेबसाइट पे जारी हो गया है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो जिनके बच्चे का वो नहीं मिला था, ये देखिए आप, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, ठीक है। जिन बच्चों का OMR, ये देखिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा है, द स्कैन इमेज ऑफ OMR आंसर सीट हैज ऑलरेडी बीन ईमेल टू द कैंडिडेट, पहले ही ईमेल कर दिया गया था, लेकिन
बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे का मिला नहीं है, इसलिए एनटीए उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपना OMR डाउनलोड कर लें यहाँ से, NEET.NTA.NIC.IN से, ठीक है। ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा 9 नवंबर से लेके 14 नवंबर 9 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग आंसर शीट और OMR यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो नीट का काउंसलिंग कब शुरू होगा, ऑल इंडिया का जो फर्स्ट राउंड है कब शुरू होने जा रहा है, इस पे भी थोड़ा सा खबर आ रही है कि बहुत जल्दी शुरू होगा। और आज जो है नीट पीजी के लिए नोटिस आ गया है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नीट पीजी जो है उसका रजिस्ट्रेशन देखिए 12 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये नीट पीजी 2020 ये आज तक की न्यूज़ है, ठीक है। और आप इसका जो शेड्यूलिंग है MCC.NIC.IN पे विजिट करके शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीजी वाले स्टूडेंट के लिए है। और ये 12 से 54 नवंबर से सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन किया जाएगा इसका। तो एक तरह से नीट पीजी का क्लियर हो गया, तो अब चांस बन गया है कि नीट यूजी का भी काउंसलिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एनटीए ने बोनस मार्क्स क्यों नहीं दिया, कुछ इसको लेके मुझे क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन था कोई रिजल्ट के बाद लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, तो कोई पूछना भी नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन था फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये क्वेश्चन आपको पता है। इसके आंसर आकाश ने 3 एंड 4 दिए थे। अब मैं वो तीन बच्चे जो 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, पता नहीं उन्होंने अटेम्प्ट किया था नहीं किया था, और वो आकाश बोलते हैं कि आकाश का ही बच्चे थे। और ये तीन लड़के जो हैं आपको दिखा दूं एक बार, ये मृणाल कुतेरी, तन्मय गुप्ता और कार्तिका जी नायक, ये दोनों का रैंक एक ही है और तीनों का एक ही रैंक है। तो इन्होंने या टाइम किया था या इसके बदले कोई और क्वेश्चन ले लिया था वो मुझे नहीं पता। वो सही मतलब 720 कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा मतलब स्टडी किए होंगे, नो डाउट, मैं उन पे कोई डाउट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये करना है कि अगर आकाश ने उनको इस क्वेश्चन को अगर पढ़ाया होगा तो उन्होंने 3 और 4 दोनों पढ़ाया होगा। अगर आकाश के टीचर ये बोल रहे हैं कि आंसर 3 4 होगा, तो उन बच्चों को पहले ही कैसे पता था कि आंसर इसका करेक्ट कौन सा है। और दूसरा एनटीए ने अगर ऐसा कुछ है इतने बच्चे एक ही है, तो इस क्वेश्चन पे कोई बोनस मार्क्स क्यों नहीं दिया, कम से कम और सब तो छोड़ो ठीक है, इस पे तो कुछ करना चाहिए था। और ये बच्चे का आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है कि बच्चे ने जो आकाश पढ़ाया जो टीचर बोल रहे हैं, टीचर को इसमें दोनों आंसर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे को एग्जैक्ट वही आंसर पता है जो एनटीए मानने वाला है, ठीक है। तो इस पे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसने क्या हो किया होगा, क्या तीनों बच्चे इसको इस क्वेश्चन के बदले कोई और कर लिया होगा, या यही क्वेश्चन बनाए थे उनको सही आंसर पता था, मुझे नहीं पता, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस पे कमेंट कीजिएगा कि मुझे पता चले कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इस पे प्लीज कमेंट कीजिए। ओके बाय।